कुछ समय से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वैसे तो है नियर बाय हमारे शहर के, मगर वे अमेरिका में रहते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी हमारे फैमिली से मिलने की, और जैसे आप सभी को पता है नॉर्मली जो भी सब्सक्राइबर आते हैं मैं उनको मना करता हूँ, मगर फिर भी वे कोई ना कोई भेंट लाते हैं मेरे लिए, तो दिल थाम के रखिए। हम लोग इसीलिए तैयारी एग्जाम की मतलब जल्दी कर रहे हैं ताकि फिर फरवरी को नहीं, रुको क्योंकि इस बार फिर फरवरी है ही नहीं, क्योंकि इस बार लीप ईयर है, क्योंकि 29 डेट आ रही है ना, 29 तारीख आ रही है, इसलिए फिर फरवरी गायब हो गई। आएगा और उसमें बहुत बड़ा दिन आएगा। कुछ ही देर पहले मैंने सारे भक्तों को बोल दिया है कि मम्मी कुछ अद्भुत बातें शेयर करने वाली है और भजन की पंक्तियां भी सुनाएंगी, तो प्लीज सारे भक्तों को बताइए कि क्या है वो अद्भुत बातें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत स्पेशल व्लॉग है हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है हनुमान जी से जुड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आप भी मतलब खुशी के मारे जुम उठेंगे। कुछ स्पेशल है और यश भी कुछ बताएगा, परी से भी मिलाऊंगा और मम्मी भी आज कुछ अद्भुत बातें शेयर करने वाली है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो जरूर आखिर तक इस व्लॉग को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, क्यूएनए वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों सबसे पहले मिलेंगे हमारे राजकुंवर से। मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि यश आज कुछ बताने वाला है आपको, बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है उसने, हमें बहुत प्राउड फील हुआ जब उसने ये अचीवमेंट किया अपने स्कूल में। क्या एग्जैक्टली है उसके पहले देखो, बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है यश। Naughty Yash, yellow mic है मेरा, दूसरा mic है। आप इतने serious क्यों लग रहे हो पढ़ाई के वक्त? Exam है ना इसलिए। Exam है इसलिए? Yes. कभी exam है? March. ये तो January चल रही है। बहुत जोर शोर से आपकी तैयारी चल रही है। तभी जाके मतलब अभी से शुरू करेंगे तैयारी, तभी जाके मार्च में यश की होगी तैयारी कंप्लीट। मतलब आज पहला ही दिन है ये एग्जाम की तैयारी का, और उसमें मैंने बेचारे को 3 सब्जेक्ट की तैयारी लगा दी। सबसे पहले एसएस का किया उसने, फिर इंग्लिश का, और अभी मैथ्स चल रहा है। अच्छी बात है ना, अगर हम प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो। और उसमें क्या मतलब हम लोग सबसे पहले ज्यादा मतलब जल्दी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है पता है, ये टाइम 5 फरवरी तो है ही नहीं। नहीं 5 फरवरी नहीं है। हम लोग इसीलिए तैयारी एग्जाम की मतलब जल्दी कर रहे हैं ताकि 5 फरवरी को नहीं, रुको क्योंकि इस बार 5 फरवरी है ही नहीं, क्योंकि इस बार लीप ईयर है, क्योंकि 29 डेट आ रही है ना, 29 तारीख आ रही है, इसलिए 5 फरवरी गायब हो गई। नहीं 5 फरवरी आएगा और उसमें बहुत बड़ा दिन आएगा। क्या है उस दिन, क्या है 5 फरवरी को, क्या है? मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे है? ओहो, क्या बात है। हम लोगों को वो भी तैयारी करनी है, तो हम लोग ने एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी ताकि उसका बर्थडे मतलब टेंशन फ्री जाए यश के लिए। क्या बात है। और मैंने अभी बताया, अभी सारे सब्सक्राइबर्स को बोल दिया है कि आपको कोई अचीवमेंट मिला है स्कूल में, क्या है जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और आपको क्या फील हो रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको, मतलब उसने जो उसको मिला है यश को, तो उसको मिला ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मिला है, मैं इतनी खुश हो गई थी उस दिन। ओ माय गॉड, यश की मम्मी तो रोने लगी थी जब वो अचीवमेंट करके आया था। वो इतना मतलब दूर से मैंने उसको देखा और इतना भाग के आ रहा है। रुको अभी मत बताओ, पहले उसको बताने दो एग्जैक्टली क्या है। और ये देखो यश को मिले हैं स्कूल में स्पोर्ट्स में मेडल, एक मेडल है सिल्वर और दूसरा मेडल है ब्रॉन्ज। ये देखिए, ओके देखिए, वाओ, तो ओलंपिक के मेडल लग रहे हैं। यस, ओलंपिक में गया था। अभी सारे दर्शकों को बताओ ये किस चीज के मिले हैं स्पोर्ट्स में आपको? ये सिल्वर जो है वो ब्रॉड जंप में मिला है। ब्रॉड जंप में मतलब आपने जंप किया? अरे आप हनुमान जी के भक्त हो तो जंप करोगे ना, उनकी बात के मेंबर हो रहा है। और ये दूसरा वाला रिले गेम में आया। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। दर्शकों को ये मेडल्स कैसे लगे प्लीज आप कमेंट के माध्यम से यश को आप अपने विशेष दे सकते हैं। वेरी गुड। यश क्या बोल रहे थे बताए कि जब भी मतलब ये हाई जंप मतलब जो ब्रॉड जंप है उसका हो रहा था, तो ऐसे बोला मैंने मतलब ऐसे ही आँख बंद करके जोर से जय श्री राम चिल्लाया और फिर मैंने जंप मारी। okay. तो पता है तुम मुझे बोल एक बार डेमो बताओ, आँख बंद करके कैसे आपने बोला?
जय श्री राम। तो हनुमान जी ने पावर दे दिया आपको अच्छे से, मतलब बड़ी जंप लगा दी उसने। बड़ी जंप लगा दी, यस यस, वेरी गुड। दोस्तों अब वो मौका आ गया है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था ना कि यश कुछ बताएगा, मैं भी कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे, और कुछ देर बाद मम्मी भी कुछ अद्भुत चीजें, कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली है। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे ये कहूँगा कि कुछ समय से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो वैसे तो है नियर बाय हमारे शहर के, मगर वे अमेरिका में रहते हैं, तो उनका वहाँ से मुझे मैसेज आया था कि जयेश भैया, इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि जयेश भैया हमें आपसे मिलना है, आपके पूरे परिवार से मिलना है, हम आपकी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज उसको देखते हैं, आपके व्लॉग्स को देखते हैं, आपकी फैमिली हमें बहुत पसंद है, और बहुत सारी चीज़ें बातें उन्होंने कही। थैंक यू वेरी मच उनको मैं इस व्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगा। और उनका नाम है हेमू पटेल। तो उनकी बहुत इच्छा थी हमारे फैमिली से मिलने की। कुछ ही दिन पहले मुझे वो सौभाग्य मिला उनसे मुलाकात की। वे आए थे हमारे पूरे परिवार के साथ, उन्होंने मुलाकात की, और जैसे आप सभी को पता है नॉर्मली जो भी सब्सक्राइबर आते हैं मैं उनको मना करता हूँ, मगर फिर भी वे कोई ना कोई भेंट लाते हैं मेरे लिए। तो मैं नॉर्मली, ये मेरी इच्छा होती है कि मैं क्यों ना ये मेरी फीलिंग्स आप सभी से शेयर करूँ। तो वे आए थे, लास्ट वीक आए थे, मगर फिर हम एक्चुअली आउट ऑफ टाउन थे। मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की थी, हमारे घर में शादी थी मेरे फैमिली में ही, तो हम आउट ऑफ टाउन थे पूरी फैमिली, तो वो मौका नहीं मिला मुझे वो स्पेशल ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सभी को वो चीज़ बताऊं। और ऑब्वियसली जब कोई भक्त आता है तो वो चीज़ हनुमान जी से जुड़ी ही होती है। इस आज मैं बताऊँ आपको कि एग्जैक्टली वे सब्सक्राइबर, वे भक्त मेरे लिए क्या लाए थे। तो दिल थाम के रखिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वे मेरे लिए एक, ये अनबॉक्सिंग हो रही है बहुत ही अमूल्य तोहफा है ये। ये चीज़ है तुलसी की माला है ये। ये आपको मैं नज़दीक से बताता हूँ, इस पे श्री कष्टभंजन हनुमान जी की फ़ोटो है जो लकड़ी पे है, और ये जो है ये मतलब तुलसी की माला में पिरोया हुआ है। तो जब वे इंडिया आए तो सबसे पहले वे गए कष्टभंजन सारंगपुर प्रभु के दर्शन करने, फिर हमारे पास ही में श्री वरताल धाम है, वहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण देव के दर्शन किए, हरे कृष्ण महाराज स्वामीनारायण भगवान के दर्शन किए, और फिर वे हमसे मिलने आए। ये अमूल्य तोहफा उन्होंने मुझे भेंट रूप में दी है। आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु के, कष्टभंजन हनुमान जी का स्वरूप है इस पर, बहुत ही अद्भुत भेंट है। थैंक यू वेरी मच। और एक और भी भेंट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, एक सेकंड रुकिए, मैं इसे पहले बॉक्स में रख देता हूँ, मैं ऐसे नहीं रखूँगा कहीं पे भी। दूसरा जो भेंट है वो ये है, ये कड़ा है, ये कड़ा वे लाए थे मेरे लिए, मगर इस पर क्या लिखा है आप सरप्राइज हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे इनफैक्ट। ये जो कड़ा है ये देखिए, इस पर भी लिखा है श्री कष्टभंजन देव। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा नियर बाय फोकल कर रहा हूँ, देखिए श्री कष्टभंजन देव। तो ये भी अमूल्य तोहफा है जो उन्होंने एज अ भेंट स्वरूप दिया है मुझे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि मुझे सबसे क्या प्रिय है, और उन्हीं से जुड़ी मुझे कोई ना कोई भेंट आती है। पहले भी एक सब्सक्राइबर आए थे मिलने, तो उन्होंने मुझे कष्टभंजन हनुमान जी की फ़ोटो फ्रेम दी थी। कोई मुझे स्केच भेजता है, कोई मुझे हनुमान जी का पेंडेंट भेजता है, मतलब अद्भुत अद्भुत। मैंने कुछ ही दिन पहले, जैसे हम बड़ौदा गए थे, वहाँ पे सचिन जी और उनकी फैमिली से मिले, उनके साढ़ू भाई नकुल जी ने मुझे हनुमान जी और का जो स्वरूप दिया उसमें नीम करोली बाबा जी का भी स्वरूप दिखता है। पापा को भी उन्होंने एक अच्छी भेंट दी थी हनुमान जी के स्वरूप में। तो सबको पता है मुझे सबसे प्रिय क्या, और मेरा मन गदगद हो जाता है। तो आपको ये दोनों तोहफे कैसे लगे वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़। और एक चीज़ और है, ऐसे मतलब मैंने उनको मना किया, इतना कुछ क्यों लाए हमारे लिए, तो बोले नहीं जो है इतना भी कम है, उन्होंने एक चीज़ कही थी। और एक और चीज़ है जो उन्होंने स्पेशली यश के लिए दी है, ये कष्टभंजन हनुमान जी का जो स्वरूप, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, इसमें प्रभु से जुड़ी बातें हैं, अलग अलग चीज़ें इसमें मेंशन की है। उन्होंने बहुत प्यार से यश को ये भी भेंट किया है। इसमें प्रभु से जुड़े श्लोक हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, प्रभु से जुड़ी कथाएँ हैं, अद्भुत। देखो इसमें भी प्रभु का स्वरूप है, देखें तो
ये गुजराती में इनफैक्ट यश को आती है गुजराती, तो गुजरात इसमें हिंदी में भी मुझे लग रहा है मतलब कस्टम इंजन जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी वहाँ के जो धार्मिक स्टोर है वहाँ पे। तो देखो ये स्वरूप भी देखिए प्रभु का, अलग अलग स्वरूप के फोटोज है और एक स्वरूप है प्रभु का, अद्भुत अद्भुत स्वरूप है प्रभु के। देखिए थैंक यू वेरी मच हेमू जी इतने अमूल्य तोहफे के लिए। और मैं तो मौका देखता हूँ कभी मैं हनुमान जी से जुड़ी कोई चीज़ सारे दर्शकों को बताऊँ, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन आप सभी को इन अमूल्य भेंट के दर्शन कराऊँ। दोस्तों अब बारी है मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी कुछ अद्भुत बातें शेयर करने वाली है, क्या है चलिए जानते हैं और फिर सुनेंगे मम्मी के मुख से प्रभु से जुड़ी अद्भुत पंक्तियाँ। मम्मी कैसे हो? जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। कुछ ही देर पहले मैंने सारे भक्तों को बोल दिया है कि मम्मी कुछ अद्भुत बातें शेयर करने वाली है और भजन की पंक्तियां भी सुनाएंगी, तो प्लीज सारे भक्तों को बताइए कि क्या है वो अद्भुत बातें। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दोपहर को कभी कभी सोती हूँ, कभी कभी नहीं सोती हूँ, मगर मेरे दिल में हुआ के दादा कभी भी मुझे क्यों नहीं आते सपने में, या कुछ भी कोई भी जैसे कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, या कोई भगवान मेरे सपने में क्यों नहीं आते। बहुत बहुत साल हुआ, 2-3 साल पहले हुआ था ऐसा, मगर बहुत दिन से नहीं आया, मैं ऐसे ही सो गई। तो आपको मैं बताऊं कि मुझे क्या महसूस हुआ, क्या सपना दिखा, जैसे कि एक रील रहती है ना, शॉर्ट रील, उस हिसाब से मुझे सपने में आया। मैं कोई मंदिर, नेचुरल मंदिर था कुछ, और वहाँ हम लोग गए थे फैमिली में, तो मुझे लगा मैं अकेली ही थी शायद, और पता नहीं कोई संग में गई या कुछ, पता नहीं ऐसा सपने में मुझे दिख रहा है। और वहाँ मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे सपने में दिखाई दिए, मगर वो दूर से, जैसे कि हम लोग सब देख रहे थे मंदिर का परिसर में वैसे वैसे, और वहाँ सबके साथ में थे वो ग्रुप में, और हम साइड में थे, और दूर से मैंने उनको नमस्कार किया, ऐसा मुझे सपने में दिखा। फिर वापिस हम लोग कैसे के, जैसे कि कोई गार्डन है, परिसर है, तो कुछ ऐसी सीमेंट की पायरी है, वहाँ हम लोग बैठ गए थक के कि चलो भाई मैं बैठी हूँ। तो वहाँ एक भाई बैठा था, जयेश भाई के जितना ही रहेगा, और बातें करते थे हम लोग, और उतनी देर में धीरेन्द्र शास्त्री आके जी बैठ गए हमारे बाजू में, जैसे कि जयेश कैसे बैठा है वैसे ही। और बातों बातों में उनसे बात कर रही थी कि भाई मेरा बेटा भी हनुमान जी का भक्त है, और जो बाजू में बैठे थे ना, और धीरेन्द्र शास्त्री भी बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मेला हाँ वो भी बहुत आपका भी भक्त है और दादा का भी भक्त है कष्टभंजन देव का। तो मैं बोला उनकी जो वीडियो भी आती है, तो बोलता है कि क्या नाम है, तो मेला जयेश वाघेला, और ये जयेश वाघेला ऐसा उन्होंने बोला जैसे कि सपने में मैंने सुना। अरे उनकी तो हम भी देखते हैं, और बाप रे इतनी हंसी मजाक, जैसे कि उसका जो प्रफुल्लित चेहरा और हंसी मजाक वो इतना मुझे देखा स्पष्ट के मेरे समझ में ही नहीं आया कि सच्ची में बैठे हैं या कुछ समझ में, वो सपने में मैं ऐसा देख रही हूँ। और बोलता है नहीं नहीं मैं तो उनको देख, मैं जानता हूँ और उनकी तो मैं देखता हूँ और मुझे पता है, ऐसा ऐसा सब बोलने लगे। और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आँख खुल गए, और मैंने ना मुंह धोया, और जयेश भैया मेला उनको बोलने को सीधी गई आई, मम्मी सीधी मेरे पास आए। मैं बोला मुझे तो ऐसे दर्शन हो गए, बोलो आज कितनी कृपा हो गई कि कितनी भी कितनी सुनते कि जैसे कि मन की बात है, तो उनके दर्शन हो गए, और बस दूसरा क्या चाहिए। अद्भुत लीला ऐसा सपना। और दोपहर के टाइम मुझे कभी कभी सपना आता है, मुझे लगता है मेरी 10-15 मिनट में 3:20 को आँख खुली, 3 बजे के बाद ही आएगा, जैसे कि 5 मिनट का भी नहीं, वो रील मुझे परफेक्ट याद है, वो जब वहाँ का जो माहौल है वो सब मुझे एकदम क्लियर कट से, जैसे आजी की बात, आजी की बातें। और मम्मी तुरंत मेरे पास ऊपर आए जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मम्मी ने सोचा पहले मैं जयेश को बोल देती हूँ, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि नहीं प्रभु है, नहीं, नहीं, है सही, मतलब गुरु जी के दर्शन में बहुत बड़ी बात। और ऐसा भी बोला कि मैं उनको जानता हूँ, तो मुझे इतना ऐसा लगा कि नहीं ये तो सपने में, कितना मुझे इतना, जब मम्मी ने ये बात कही ना मैं तो एकदम इमोशनल हो गया था, मतलब खुशी के मारे नहीं, मतलब बहुत बहुत प्रभु की लीला अपरंपार है।
और मतलब आपको ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और व्लॉग को हम ऐसे थोड़ी एंड करेंगे, मम्मी प्रभु से जुड़ा कोई भी मतलब जिस तरह आपके डिक्शनरी से निकालिए अच्छी पंक्तियां भजन की और हमें सुनाइए और भक्तों को सुनाइए। राम नाम तो है हीरे मोती से भी अमूल है, तो मैं उसे भजन के रूप में आपको सुनाना चाहती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं तो लुटाऊ घड़ी घड़ी, लूटना है तो लूट ले बंदे मैं तो बेचू गली गली। राम नाम के हीरे मोती ना इनका कोई मोल है ना इनका कोई तोल है, वो तो है अनमोल प्यारे मैं तो बेचू गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं तो लुटाऊ घड़ी घड़ी, लूटना है तो लूट ले बंदे मैं तो बेचू गली गली। सबरी ने लूटा मीरा ने लूटा नरसिंह लूटा घड़ी घड़ी, वो तो हो गए पावन प्यारे मैं तो बेचू गली गली। राम नाम के हीरे मोती। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अनमोल पंक्तियां, अनमोल मतलब प्रभु के लिए जितना गुणगान करें। राम नाम तो हीरे से भी, क्योंकि वो तो अनमोल है, उनका क्या मोल करेंगे, वो तो लूटना है उतना लूट लो समेट लो, क्योंकि अंतकाल आएगा ना तो वही काम आने वाला है। अभी लिया राम का नाम तो अंतकाल में मुख से निकलेगा, बाद में नहीं निकलेगा। प्रभु का नाम लो, नाम जप करो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मम्मी, बहुत प्यारी पंक्तियां आपने प्रभु से जुड़ी सुनाई। दोस्तों मम्मी का ये अद्भुत जो अनुभव रहा, मम्मी को जो सपना आया उससे जुड़ा, मम्मी को जो दर्शन हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के, आपको उस बारे में आपके विचार बताइए। और मम्मी ने जो भजन की पंक्तियां गाई वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबाएं ताकि जय श्री राम ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो आप सबसे पहले देख सके। सभी भक्तों को आखिर में वंस अगेन जय श्री राम जय हनुमान।